शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ भी तर जाते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इंद्रा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा का विधान है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग बहुत अनिवार्य रूप से किया जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, इंद्रा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करें और फिर अपने नित्य कर्म करने के बाद भगवान शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद साधारण जल से स्नान कराएं और फिर शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं। शालिग्राम जी को पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल भी अर्पित करें। शालिग्राम जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहां बैठकर आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें, विष्णु जी की कथा सुनें, श्रीमद् भागवत गीता सुनें, फिर आरती करें और फिर भगवान को फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, इंद्रा एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं और हो सके तो 2 घंटे कम से कम मौन अवश्य धारण करें। धर्म शास्त्रों में मौन की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। बंधुओं, इंद्रा एकादशी की रात को भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक लगाएं और रात्रि जागरण करें। भगवान के समक्ष भजन कीर्तन करें, नृत्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाएंगी। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इंद्रा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, इंद्रा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इंद्रा एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों, पोत्रों, धन धान्य से संपन्न विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधरे दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं, आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्म लोक से यम लोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की।
उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करें। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, सभी मनुष्यों को साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए और यदि कोई 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते तो वे इन एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें भी एकादशी व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वाले को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पूरा दिन एकादशी का व्रत करते हैं अर्थात कुछ भी नहीं खाते और पीते, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में एकादशी व्रत का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि जागरण करने से उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल एकादशी व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ एकादशी के व्रत को करना चाहिए। जिसने एक बार भी इस व्रत को कर लिया वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप रात्रि जागरण से नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, इंद्रा एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य
एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। बंधुओं, इंदिरा एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का तुलसी से पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।